अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हम आपको आज ले चलेंगे रामनगर उत्तराखंड के एक बहुत ही पौराणिक मंदिर गर्जिया देवी टेम्पल में। हम घर से करीब 9 बजे निकल गए थे और रास्ते में हमें लगी भूख। हमें दिखा एक छोले कुलचे का ठेला और फिर क्या था, इतनी अच्छी लोकेशन में जंगल के किनारे ठेले पे छोले कुलचे खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये यहाँ का है डैम, पानी काफी कम है। ये रहा कॉर्बेट, यहाँ से हम लोग सफारी लेकर अंदर जा सकते हैं, बट हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे। वाह, ये कॉर्बेट का जंगल है। यहाँ पे ज़्यादा जानवर तो नहीं दिखते हैं, पर कभी कभार हिरन हाथी जैसे जानवर दिख जाते हैं। अभी अभी मुझे हिरन दिखा, उसका फुटेज बहुत ही थोड़ा सा ले पाए। देखो हिरन, ओह हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊँट है, घोड़ा है, हाथी भी था पिछले बार, है ना? हाथी भी पिछले बार था ना? यहाँ पर आप घोड़े, ऊँट और हाथी की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको सामने में घोड़ा नजर आ रहा होगा। अब बस 2 किलोमीटर रह गया है माँ के दर्शन से। पिछले बार हम लोग आए थे पिछले साल, पर कोविड की वजह से आई थिंक बंद था, पर इस बार तो हम दर्शन कर ही रहेंगे। क्यों इतनी दूर से हम लोग आते, 87 to 88 किलोमीटर आई थिंक है रुद्रपुर से गिरजा टेम्पल। तो चलिए देखते हैं, और आप भी बने रहिए हमारे साथ। In 200 meters, turn right. यहाँ से राइट, यहाँ से हमें राइट जाना है। Continue for 800 meters. गिरजा देवी मंदिर का मेन गेट, मेन परिसर, सब लोग एंटर करते हुए। ये है पार्किंग, यहाँ पर आप मेरे ख्याल से जहाँ से प्रसाद खरीदे वहीं पर अपनी बाइक को पार्क कर दे। गर्जिया माता का मंदिर कोसी नदी के किनारे एक टीले पे स्थित है। इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। नदी में कुछ लोग नहा भी रहे,
है, हमने नहाने वाले, मुझे तैरना नहीं आता। फ्लो भी काफ़ी तेज है कोसी नदी का। रास्ते पर जितनी एक्साइटमेंट थी मंदिर आने की, वो इतनी लंबी लाइन देखने के बाद चार गुना बढ़ गया। आप देख सकते हैं मंदिर की सीढ़ियों से लेकर दूर नदी के किनारे तक लंबी लाइन है। हम लाइन के सबसे लास्ट में जाकर खड़े हो गए। फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं गिरजा देवी मंदिर इस वक्त, और जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं बहुत थक चुका हूँ बाइक राइड करते हुए, और सोच तो रहे थे कि जाएंगे मंदिर में पूजा करने, पर जिस तरह यहाँ भीड़ लगी हुई है ये इम्पॉसिबल लग रहा कि हम पहुँच पाएंगे आज रात तक। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक थोड़ी भीड़ कम होती है तब तक मैं आप लोगों को मंदिर की स्टोरी सुना देती हूँ। लोगों के अनुसार गर्जिया माँ पार्वती माता का ही एक दूसरा रूप है। माँ गर्जिया जो कि एक टीले के ऊपर निवास करती है, वो अल्मोड़ा की रानी खेत के साथ गोल्फ कोर्स के पास निवास करती थी, पर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वह कोसी नदी के पानी के साथ बह कर यहाँ आ गई। यहाँ पहले से ही भैरव बाबा निवास करते थे और उन्होंने इन्हें रोक लिया। बहुत लंबी लाइन दिख रही होगी, ये लंबी लाइन बिल्कुल मंदिर तक है। तो मेरे पास ये आइडिया कि क्यों ना हम लोग यहाँ से चले मंदिर के ऊपर, मंदिर तक ही तो जाना है ना ऊपर में, तो यहाँ से चढ़ के चले क्या? ऊपर मंदिर में एक अलग ही वाइब थी। ऐसा लग रहा था ये हवा, ये चुंदरी, ये घंटियों की आवाज़ और भक्तों की कीर्तन मुझे अंदर से हील कर रही हो। अब समझ में आया कि इतनी कड़ी धूप में लंबी लाइनों में लोग माँ की बस एक झलक पाने के लिए क्यों खड़े रहते हैं। लोग यहाँ आकर लाल रंग की चुंदरी बांधते हैं और माता से अपनी मन्नतों को मांगते हैं। मैंने भी एक मन्नत मांगी, आशा करती हूँ कि वो पूरी हो और मैं वापस इस मंदिर में आऊँ। पूत का पूत सुने है पर ना माता सुने को माता, माता सुने को माता। मंदिर में आते वक्त सीढ़ियों पे जितनी श्रद्धा और प्रेम से उनके भक्त माता की जयकारे लगा रहे थे, दर्शन के बाद उनके चेहरे पर उतनी ही संतुष्टि और ठहराव था। दर्शन के बाद हमने भंडारे में प्रसाद चखा। कैसा लगा आपको भंडारा का खाना प्रसाद? ये सारा बह गया था ना, बिल्कुल नीचे का। नीचे पूरी मार्केट खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ। कहाँ तक पानी आ गया था? पानी ऊपर पुल पे हमने जहाँ पुल से थोड़ा सा नीचे बचा था जी। हाँ। और गेट पर तो पूरा टैच हो रहा था, मंदिर वाला गेट पर पूरा पानी टैच हो रहा था और ऊपर आ गया गांव सारा तबाह हो गया। हमारा दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया। आपने देखा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी और कितनी लंबी लाइन थी, उसके बावजूद हम धूप में खड़े रहे और फाइनली सब्र का फल मीठा होता है जैसा कि कहते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मौसम तो बता रहा था कि 12 बजे के बाद बारिश हो सकती है, पर फिर भी हमने कहा कि चलो इस बार तो माता के दर्शन करने ही हैं।